हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिया में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ट्राइगोनोमेट्री का सेकंड पार्ट। और ट्राइगोनोमेट्री सेकंड पार्ट में आप चलेंगे आगे तो टर्म टू की सिलेबस में आपका आता है हाइट एंड डिस्टेंस, और उस हाइट एंड डिस्टेंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी 10 MCQ सीरीज के जरिए से। ठीक है, 10th MCQ सीरीज में आपका जो है ये 5th सीरीज का पार्ट है, तो चलिए चलते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रोड एंड इट्स शैडो इज 1:3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज। तो आप जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका रोड है, तो इसकी जो शैडो बनेगी वो इस साइड बनेगी, राइट। तो जो शैडो रहेगी वो यहाँ पर आपको बतानी है कि कितने एंगल पर है, एलिवेशन एंगल बताना है। तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये थीटा है और ये रेशियो 1/3 है, क्लियर। तो जब मैं आपको देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/√3 होगा। ओके, क्योंकि पी अपॉन बी हमने पढ़ा है, क्लियर। थीटा में अगर हम देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 10/30। तो 10 से 10 कटेगा, थीटा इज इक्वल टू 30, यानी कि आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 30, क्लियर। 30 पहले क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर की बात करेंगे। देखिए, हाइट ऑफ टावर की जब बात करें तो आपके सामने देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा टावर बना लेता हूँ, ये टावर हो गया, यानी कि आप देखें ये, सॉरी, हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड आउट करना है, तो एच में ऐसे कह देता हूँ, ठीक है। शैडो की अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टावर, डिस्टेंस कितना है फ्रॉम डिस्टेंस आपका, ये कितना है, इट्स फुट, यानी कि फुट से इसका डिस्टेंस जो वो 100 मीटर है, यानी कि इसके फुट से इसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, क्लियर। तो यहाँ से इसका 100 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, तो आपको ये बताना है वो 60 डिग्री है। तो आपको जो बताना है वो रहेगा इसकी हाइट। तो देख लेते हैं, 1060, यानी कि 10 थीटा की वैल्यू, थीटा की जो वैल्यू है वो 60 दे रखा है, 1060 इज इक्वल टू एच अपॉन 100 होगा, क्लियर। और 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो एच अपॉन 100, और √100 का मल्टीप्लाई जैसे मैं यहाँ पर करूँगा तो 100√3 इज इक्वल टू एच, ये रहेगा, दिस इज राइट आंसर। तो आप देख लीजिए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सम इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 30 मीटर। तो जब मैं वर्टिकल टावर आपके यहाँ पर है, तो देखिए स्टैंडिंग होता है वर्टिकल, ठीक है, तो वर्टिकल टावर ये हो गया। और जब मैं इसकी शैडो की लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो शैडो इसकी साइड बना लेते हैं, तो 30 मीटर इसकी शैडो है, ठीक है। और जब आपका जो एंगल की बात करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो जो बनेगा वो रहेगा आपका 60 यहाँ पर, ठीक है। तो ये 60 हो गया, क्लियर। आपको क्या बताना है, हाइट बतानी है, क्या बतानी है, हाइट। तो हाइट यहाँ पर रहेगी सेम, तो सिमिलर आप देख पा रहेंगे कि आपको जो अभी क्वेश्चन आपने किया था वो रहा था 10 थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 30, तो एच की वैल्यू यहाँ पर √3 हो गया, क्लियर, सॉरी √3 होगा, केवल √3, 10 की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी यहाँ पर √3, तो एच यानी कि 30, और 30 का जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 30√3 क्या रहेगा, 30√3, एच इज इक्वल टू 30√3, यानी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B फ्रॉम इट्स फुट एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स आर द 30 and 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ टावर इज, यानी हाइट बतानी है, जबकि हमें एक ही लाइन पर दो एंगल आपको दिए गए हैं, क्या रहेंगे एंगल देख लेते हैं। देखिए फिगर की बात करेंगे तो फिगर यहाँ देख लेते हैं हम, ठीक है, ये फिगर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया, तो ये आपके सामने है, देखिए यहाँ पर मैंने एक ये फिगर ड्रॉ किया है, आपको कहा गया है कि ये है, ठीक है, आपके दो पॉइंट दिए गए हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि ये पूरा पॉइंट ए है, ये पूरा पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट बी है, क्या है, ये वाला पॉइंट बी है, हाइट यहाँ पर एच है, तो आपको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा और ये होगा आपका 60 डिग्री, क्लियर, ये होगा आपका 60 डिग्री। तो मैं पहले छोटे वाले एंगल को ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या, मैं इसे कोई भी नाम दे दीजिएगा आप जब सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, जब मैं इसे डायरेक्टली कर देता हूँ, तो 10 30 यानी कि 60 हो गया, 10 60 इज इक्वल टू एच अपॉन बी हो गया, क्लियर।
जब यहाँ पर आपको वैल्यू मिली, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ मिल सकती है, तो आप इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं। मैं इसे लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 30, 60 को ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, तो ये एच अपॉन बी हो गया। क्लियर। जब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉट 30 इज इक्वल टू एच अपॉन बी। ओके, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, आप कह सकते हैं। सेकंड पार्ट में इसको यहाँ पर पूरे वाले एंगल को ले लेता हूँ। जब मैं पूरे वाले एंगल को लूँगा आपका, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या, 10 30 इज इक्वल टू एच अपॉन ए। ओके, जब ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, तो जब ये वैल्यू आपको सामने होगी तो ये वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पर होगा एच ए। क्लियर। तो ए का जब मल्टीप्लाई आप इधर करें या इधर करें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, या आप इसे इस तरीके से ही रहने दें कि 10 30 रहने दें, तो भी कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे 10 ही रहने देता हूँ। क्या रहने देता हूँ, 10 30 ही रहने देता हूँ। मैं बताऊँगा क्यों, इसका रीजन मैं अभी आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, हमें हाइट चाहिए। क्या चाहिए, हाइट। तो मैं इसे सेकेंड टर्म कह देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका 10 30 हो गया। ठीक, अब आप देखिएगा मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखें, कॉट 30 इंटू 10 30, तो ये हो गया। क्लियर। और यहाँ पर हो गया एच ए इंटू एच बी, ये हो गया। देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर ए बी, और जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। जब मैं एच से आपका रूट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ए बी। तो आपका जो हाइट निकलेगा वो रहेगा अंडर रूट में ए बी। देखिए, इस इन दोनों का देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़, ये तब मैंने किया है जब आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हों, यानी कि इसको और इसको मिला के आप 90 बना सकते हैं। दो एंगलों को मिलाकर अगर 90 बनाते हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही थी तो मैंने उसको लेकर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिस तरीके से आप कहेंगे उसी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इन द कॉम्प्लीमेंट्री, देन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, सेम सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है। उसने कहा है, क्या कहा है, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कह रहा है और टू पॉइंट ए एंड बी, सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं अभी बात कर रहा था, वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। तो मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो कि जिससे कि आपका पुराना वाला क्वेश्चन भी आपको रिपीट हो जाएगा। ये बी हो जाएगा, ये पूरा ए हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है तो ये थीटा रहेगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, ये मैंने एच ले लिया है। तो जब मैंने एच लिया तो देखिए, 10 90 माइनस थीटा आपका रहेगा, 10 90 माइनस थीटा रहेगा h अपॉन b, और 90 माइनस थीटा को मैं कह सकता हूँ cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b। तो फर्स्ट इक्वेशन इसे कहूँगा। सेकंड इक्वेशन की बात करूँगा तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आप देख लीजिए, 10 थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा h अपॉन a। ये हो गया, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 10 थीटा इंटू cot थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वेयर a एंड b। क्लियर। तो ये तो रहेगा यहाँ पर 1, तो ab इज इक्वल टू h स्क्वेयर, और रूट में आपका रहेगा ए बी, यानी कि एच की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी ए बी, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बताना है, सॉरी डिप्रेशन एंगल है, टू शिप्स उसके पास हैं, अपोजिट साइड्स में हैं, फॉर द लाइट हाउस आर द ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 45 डिग्री इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज एच मीटर। देखिए, यहाँ पर आपको एक लाइट हाउस दिया गया है, मैं यहाँ पर ही इसका फिगर बना देता हूँ। दो सिप हैं, एक इस साइड है आपका, एक इस साइड है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो एच मीटर है। क्लियर। यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपको 45 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 30 डिग्री। क्लियर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये फिगर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो समझिएगा, कोशिश करना है समझने का। तो ये कह रहा है अपोजिट साइड है, तो हमें बताना है विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बोथ शिप्स। तो हमें डिस्टेंस बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ कि ये मेरे लिए x है, क्या है x, और ये मेरे लिए y। तो टोटल की जब मैं बात करूँगा तो x प्लस वाई रहेगा। क्लियर, ये तो आपको समझ में आता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस वाले एंगल को लेता हूँ, पहले जब मैं इस वाले एंगल को लूँगा, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी
टेन थीटा इज इक्व टू एच अपॉन एक्स, थीटा की जो वैल्यू दे रखी है 45, टेन 45 इज इक्व टू एच अपॉन एक्स, तो 45 की वैल्यू होती है 1 एच अपॉन एक्स, तो यहां पर हो जाएगा एक्स इज इक्व टू एच। ओके, ये तो रहा आपका इधर वाला ट्राइंगल। अब मैं इधर वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ। इधर वाले एंगल में आप देखेंगे कि आप इधर वाले एंगल में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ये 30 डिग्री है, तो देखें tan 30 इज इक्व टू एच अपॉन वाई, क्लियर। तो 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और यहाँ पर आपको मिलेगा एच वाई, क्लियर। ये वाली बात रही, यहाँ पर आप एच की सिंपल वैल्यू निकाल लीजिएगा अलग, ठीक है। तो जब मैंने एच की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो देखें यहाँ पर आपको मिलने वाला है एच इज इक्व टू, ये वाली बात यहाँ पर आपको आ जाएगी, क्या रहेगा, रूट थ्री एच कह लीजिए या एच रूट थ्री कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा वाई, क्लियर, ये वाली बात हो जाएगी। अब हमें बताना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें बताना था एक्स प्लस वाई। तो देखिए एक्स प्लस वाई किस कंडीशन पर मिलेगा, यानी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन आपके पास है, तो मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने वाला हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करूंगा तो आपको मिलेगा क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्व टू एच प्लस एच रूट थ्री। ओके, तो यहां से एच कॉमन ले लीजिएगा तो 1+√3 आपको मिलेगा, ये आपका आंसर रहेगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ए इज अल्फा, ए पॉइंट ए इज अल्फा आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस डी टुवार्ड द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी बीटा, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो देखिए सिंपल सी फॉर्म में आपको ये बताना है कि टावर की हाइट क्या है, कैसे बताना है ये मैं आपको यहाँ पर देखिए फिगर इसका ड्रॉ कर देता हूँ। देखें सिंपल सा फंडा कि आपको एक टावर है, क्लियर, एक कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर ए है, क्लियर, यहाँ से अगर आप इसकी ओर चलते हैं तो यहाँ पर कोई आपको एक पॉइंट मिलता है जिसे आप बी कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है और यहाँ पर भी एक पॉइंट, तो ए बी सी में इसे कह देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट बना देता हूँ डी, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिलता है वो रहेगा अल्फा। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलता है वो मिलता है बीटा, क्या मिलता है बीटा। यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी दिया है, ये रहा, देखिए आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर दिया है, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ डी टुवार्ड द फुट, यानी कि इसके ओर चलने पर, इसके पॉइंट जो फुट है, यानी कि इसके जो जमीनी स्तर पर जो फुट है इसका, उसकी ओर चलने पर आपका जो डी रहेगा, यानी पाद, हिंदी में इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, पाद यानी कि जड़, ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फुट। तो फुट की ओर चलने पर आपको जो है डी मिलेगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पर आपको बताना है कि ये हाइट क्या रहेगी इसकी, ठीक। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ कि ये मेरे लिए क्या है, एक्स का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एक्स का, और जो ये एंगल है वो आपका है बीटा, क्या है बीटा। तो देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपका जब एंगल आपने देखा तो वो बीटा है, तो मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, छोटा ट्राइंगल लूंगा तो यहां पर रहेगा टेन बीटा इज इक्व टू आपको मिलेगा एच अपॉन एक्स, क्लियर। और जब आप यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या रहेगा, देखें आपको यहां मिलेगा टेन बीटा, क्लियर, और टेन बीटा को मैं लिख सकता हूं एच कॉट बीटा, क्या लिख सकता हूं, कॉट बीटा। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, अब हम लेते हैं पूरे वाले ट्रायंगल को, यानी फुल ट्रायंगल जो है उसको ले लेते हैं। तो देखें एंगल की जब बात करेंगे तो टेन अल्फा आपका बनेगा, क्लियर, और अल्फा जब मिलेगा तो आप यहां पर देखें तो h अपॉन आपको मिलेगा x प्लस डी, क्या मिलेगा, x प्लस डी। और जब मैं x प्लस डी की यहां से देखें कंडीशन देखें वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा, तो यहां पर सेम वही फॉर्मेट मिलेगा x प्लस डी इज इक्व टू एच अपॉन टेन अल्फा। ओके, तो x प्लस डी इज इक्व टू आपको जो मिलेगा वो रहेगा h cot अल्फा, क्या मिलेगा,
कॉट अल्फा, जब आपके पास ये वैल्यू मिल चुकी है, अब आप देखें यहाँ पर कि आपको दोनों दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। क्या मिल चुकी हैं? दो इक्वेशन आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। अब करना ये है कि दोनों इक्वेशंस को आपको जोड़ लेना है, या आप एक काम करें कि पहली इक्वेशन से दूसरी वाली को घटा लें, सिंपल सा आपको एक वैल्यू डी की वैल्यू मिल जाएगी, घटाने पर मिल जाएगी। तो आप ये करें कि सेकंड वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें पहली वाली इक्वेशन को, सब्ट्रैक्टिंग, क्या कर दें, सब्ट्रैक्टिंग। जब मैं सब्ट्रैक्टिंग करूंगा पहली वाली दूसरी वाली इक्वेशन से, देखिए इस वाली से मैंने इसको माइनस किया तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या बचेगा, डी, क्लियर, डी मिलेगा। यहां पर आपको मिलेगा क्या, एच कॉट अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा और माइनस कॉट बीटा, और एच आपका फ्रंट पर, ओके। तो यहां से एच जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये वाली वैल्यू मिलेगी। जब आपको ये कंडीशन हो जाएगी तो आप जब आप एच की वैल्यू हाइट निकालेंगे तो इसका डिवाइड दे देंगे, क्या डिवाइड दे देंगे, इसे डिवाइड में दे देंगे, तो वही आपका आंसर रहेगा। तो देख लेते हैं कौन सा है, डी, डी अपॉन ये वाला, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लें बी क्यों है, देखिए जब मैं इसका डिवाइड मारूंगा तो एच की वैल्यू जब आप निकालेंगे, यहां पर एच की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो एच की वैल्यू निकालने के बाद आपको कॉट की वैल्यू को उसके डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, किसके, डी के डिनोमिनेटर में, ओके। तो यहां पर आपको ये देखिए ये वाली वैल्यू जो आप डिनोमिनेटर में लेंगे, किसके, इस डी के डिनोमिनेटर में लेंगे, तो आपको जो है वो बी ऑप्शन मिल जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। द टॉप ऑफ टू पोल्स, यानी कि आपके टू पोल्स हैं, है ना, हाइट दे रखी है 20 मीटर, दोनों पोल्स की जो हाइट है वो दे रखी है, टॉप पे रखे हुए हैं, देखिए एक पोल ये रहा और एक ही मैं इसमें मर्ज कर देता हूँ, इसकी जो हाइट है वो क्या दे रखी है, 20 मीटर, क्लियर, 20 मीटर एंड 40 मीटर। तो द टू पोल्स की जो हाइट है, दूसरे पोल की जो हाइट है वो दे रखी है आपकी 14 मीटर, ओके 14, आर द कनेक्टेड बाई द वायर, यानी कि एक वायर से इन्हें जोड़ा गया है, ठीक है, ओके। वायर मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री हॉरिजेंटल, तो देखिए वायर जो एंगल बना रहा है वो रहेगा आपका कितना, वायर जो एंगल बना रहा है वो रहेगा कितना, 30, यानी कि ये वाला एंगल जो बन रहा है वो आपका क्या रहेगा, 30 डिग्री, ओके। तो देन द लेंथ ऑफ वायर, ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, तो लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ यानी कि ये वायर की लेंथ अगर बतानी तो यही रहेगा, क्लियर। मैं इसे कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेता हूँ ये x होगा मेरा और ये भी मेरे पास x है, दोनों साइड्स आपके पास अवेलेबल हैं। देखें जब आपका ये 14 है और ये 20 है, ये 14 है ये 20 है, तो यहाँ तक तो 14 ही हो जाएगा ना, और यहाँ से ऊपर देखो तो 14 में से 20 में से 14 माइनस करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, क्लियर, ये 6 हो गया। तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे एल का जो है वैल्यू आना चाहिए, तो L को लेना पड़ेगा। देखते हैं अब हम यहां पर देख लेते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में चलते हैं, हम पहले चैप्टर पर चलते हैं, L A L K K A, ओके। तो देखें जब आप देखेंगे आपको 6 है, परपेंडिकुलर है यानी कि लंब आपके पास है, ये P है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H H B, ओके। तो आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस भी है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में जब ये आ जाएगा तो यहां साइन का रेशियो बनेगा, किसका, तो साइन का रेशियो बनेगा, तो मैं यहां ले सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ओके। तो साइन क्या है, 30, साइन 30 हो गया, तो पी अपॉन एच, अब पी क्या है आपके पास 6 और एच क्या है आपके पास एल, ओके, एच आपके पास एल है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो यहां पर हो गया 6 अपॉन एल, तो एल का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो एल इज इक्वल टू 12, क्या आ गया, 12, तो 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ए इज द राइट आंसर, ओके। 12 मीटर रहेगा जो वायर है, उसका लेंथ जो रहेगा वो 12 मीटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 25 मीटर हाइट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज क्या होगा, दे बता नहीं, तो रेड क्लिफ होगा आपका, देखिए यहाँ पर क्लिफ की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक कोई टावर है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास टावर है, इस टावर की जो हाइट है आपकी 25 है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ओके। जब मैंने यहाँ से इसको एंगल को यहाँ पर किया, देखें टोटल इसकी जो हाइट है वो मैं एच मान लेता हूँ, एच मानने के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है आपको 25 दे रखी है,
और ये वाली हाइट जो है वो h माइनस 25 में कह देता हूँ, ये थीटा रहेगा, क्लियर, ये थीटा रहेगा, और ये वाला एंगल भी आपके पास क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़े से इस क्वेश्चन की ओर। तो देखें tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, छोटे वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं पहले, आपको यहाँ मिलेगा h माइनस 25 अपॉन x मिलेगा, ओके, ये फर्स्ट रह जाएगा। अब सेकंड की देख लेते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी h अपॉन x, क्लियर। तो देख लेते हैं h की बात करें तो h जो है यहाँ पर हाइट क्या रखी है इसकी 25, तो h अपॉन x रहेगा, तो h की वैल्यू जो रहेगी 25 और x की वैल्यू कोई है नहीं तो ये रहेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको जो वैल्यू मिली वो रहेगी क्या 25 अपॉन x, ये रहेगा सेकंड, ओके। तो देखें इस वाली वैल्यू को आप पहले वाले में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो ये मिलेगा आपको 25 अपॉन x इज इक्वल टू h माइनस 25 अपॉन x, ओके, x x कैंसिल आउट होगा यानी h इज इक्वल टू आपका 50 रहेगा, 50 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो h की जो वैल्यू रहेगी वो 50 रहेगी, यानी कि b इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये मैंने एक क्वेश्चन कराया उसके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है आपको। एक यहाँ पर कोई एक ये कह रहा है कि सिप है, टू सिप्स हैं ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के दोनों ओर सिप्स हैं, ये वर्टिकल अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, एक में 45 है और यहाँ पर एक 30 को ये है, तो सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपका, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डायरेक्टली आप इसे कर सकते हैं, ओके। टॉप मोस्ट क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस की सीरीज हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे कि वो आप यहाँ से जाकर स्टडी कर सकें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।